नमस्कार साथियों, स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी में। साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस यानी कि स्कूबा इमार्गो की। मैं बताऊंगा कि ये दवा आपके बुखार पे, दांत पे, आंख पे, नाक पे, कान पे और आपके ग्लैंडुलर इफेक्ट पे ये क्या प्रभाव दिखाएगी। मैं वीडियो के लास्ट में इस दवा का प्रयोग भी बताऊंगा, इसलिए मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। और साथियों, ये दवा चूंकि कुछ चीजों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसे आप जानेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तो और, जब आप इसका प्रयोग करेंगे और आपको जब इसका रिजल्ट मिलेगा तो और आप जो है बहुत ही उत्साहित हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन अभी शुरू कर रहा हूँ लेकिन आपको एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे हम मान लीजिए हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको मिल्क का फ्लो बहुत ही इम्प्रॉपर है, बहुत ही कम है, वो बच्चे को प्रॉपर मिल्क नहीं दे पाती हैं, वो दूध नहीं पिला पाती हैं, इसलिए कि उनके अंदर दूध बन ही नहीं रहा। अगर आपको इस दवा के लेने से दूध का सिक्रेशन बढ़ जाए तो आप कितना जो है अच्छा महसूस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मलेरिया या बुखार के केस में बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दवाएं लेते हैं, उसके बाद ही बुखार नहीं उतरता। और अगर आपको इस दवा से आपका मलेरिया ठीक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो साथियों, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको पूरे वीडियो में डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां, बहुत ही गूढ़ जानकारियां और बहुत ही सरल भाषा में जो आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाए जानना चाहते हैं, भविष्य में लेना चाहते हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। और अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं पार्थेनियम एच के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि हमारी माताएं बहनें मिल्क को लेकर के बहुत परेशान रहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा खूब तंदुरुस्त हो, थोड़ा दूध उसका मिल जाए, लेकिन वो क्या करें, मजबूर है, उनको मिल्क का प्रोडक्शन उनके बॉडी में होता ही नहीं। साथियों, पार्थेनियम बहुत ही अच्छी दवा। इसके साथ ही साथ आपको कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको बुखार, और बुखार में भी स्पेशली जाड़ा देकर के बुखार आ रहा, जब आप डायग्नोस करा रहे हैं तो आपको जो है मलेरिया पॉजिटिव दिखा रहा है, आप तमाम दवाएं ले रहे हैं लेकिन दवाओं के लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, अब आप परेशान है कि अब करें तो क्या करें। साथियों, यही पार्थेनियम आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाएगी। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपके मलेरिया को ये दूर कर देगी। और तो और, मलेरिया केस में आप जैसे सपोज करें कि बहुत हमारे साथी ऐसे होते हैं जैसे बुखार हुआ तो कभी कभी क्विनेन का प्रयोग करते हैं, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो है उनको श्वासों में प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि चीनू स्ट्रोक ब्रीदिंग होने लगती है उनको, यानी कि ब्रीदिंग की उनकी अनियमितता हो जाती है, कभी बहुत तेजी से हाथ सांस से चलने लगे, बहुत कभी स्लो हो जाएगा। ऐसे केस के लिए भी पार्थेनियम बहुत ही अच्छी दवा। कभी कभी आप देखे होंगे कि हमारे ऐसे कभी कभी कंडीशन, चाहे आपको हमको किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है कि हमारे दांतों में एक समस्या महसूस होती है, आपको महसूस होता है कि आपका दांत जो है बहुत लंबा हो गया है, आपके दांत जो है किनारे पे, आपके दांत जो जड़ जहां से दांत जुड़ा हुआ है उसका एज, उसका किनारा जो है वो काफी लंबा महसूस हो रहा। अब कभी कभी लोग हम लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे विजडम टेथ निकल रहा, जिसकी वजह से बार बार मेरा दिमाग वहीं पे जाता है और हमारी दिनचर्या को खराब कर देता है। आप सोचते हैं चलो मजा, मुझे जो है दांत निकल रहे हैं या दांत जम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। वो जो टीथ की जो एज पे, कभी कभी टीथ की जो साइज होती है उसके इंक्रीज होने से इस तरह की समस्या होती है, आपको उसको भी ये दवा बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करेगी, यानी आपके दांतों की समस्या को दूर करेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कानों में सीटी बज रही है, रिंगिंग इन ईयर, और बाद में जब महसूस होता है तो आप देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम है,
तो साथियों अगर टिनाइटिस हो या कानों में सीटी बज रही हो, इसके साथ ही साथ आपके कान में दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ हमारी माताओं बहनों को डिसमिनोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको जो है जब पीरियड आता है तो उनको पीरियड में काफी पेन होता है, इसके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है। अब आप इन दवाओं का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप देखिए, एक पिकुलियरिटी आपको और बताएं, तो आप इस दवा को खुद ही अपने घर पे यूज कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि मैंने जो भी कंप्लेंट साथियों बताया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मान लीजिए फीवर की बात कर लें, तो अगर आपको फीवर की दिक्कत है और उसके साथ ये पिकुलियरिटी मिल रही है कि जब आप सोने जा रहे हैं या सो रहे हैं तो बुखार ज्यादा हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आप जब स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं, सोने जा रहे हैं, सो जाते हैं तो आपको बहुत शरीर तमतमा जाता है, ठंडा लगने लगता है, आपको बुखार चढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ जब आप थोड़ा भी गति करते हैं, जैसे भी चलना चाहते हैं, तो आपको शरीर में तकलीफ होने लगती है, यानी सारे कंप्लेंट आपको लगता है कि बढ़ जा रहे हैं। और तो और जब आप जो है सुबह उठते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर सुबह उठते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, लगता है कि मैं बहुत जो है यार मेरा बुखार तो सुबह उठता हूं तो बहुत अच्छा रहता, जब लेटता हूं तभी दिक्कत करता, तो साथियों ये दवा बहुत ही अच्छी था। आप जब कुछ देर तक टहल लेते हैं तो भी आपको अच्छा महसूस होने लगता, यानी शुरू में आपको ऐसा महसूस होता है कि शुरू शुरू में जब आप टहलना शुरू करते हैं, गति करते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन जब कुछ देर चल लेते हैं तो आपको परेशानी कम हो जाती है। साथियों यही सिम्टम आपको आरटी में मिलेगा, लेकिन ये जो चीजें मैंने ऊपर बताई ये आरटी में नहीं, तो आपको ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होगी। इसके साथ ही साथ साथियों अब मैं लास्ट में इसका डोज बताता हूं। साथियों पार्थेनियम को आप लोअर पोटेंसी में लीजिए, अगर फीवर की केस है तो आपको 30 पावर रिपीटेड डोज में लेना है, दांत की परेशानी है उसमें भी 30 पावर को आप थोड़ा रिपीट करिए, अगर दांतों में दर्द हो रहा है, आपके कानों में सीटी बज रही है और अगर जल्दी की है थोड़ा जल्दी जल्दी लीजिए, और अगर मान लीजिए कि आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम काफी पुरानी है तो आप इस दवा को कुछ दिनों तक ले लीजिए। बेहतर तब होगा जब आप इस दवा का प्रयोग अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से सलाह से लें तो और भी अच्छा इसका बेनिफिट आप पा सकते हैं। साथियों होम्योपैथी की पार्थेनियम है तो बहुत रेयर दवा, लेकिन है बहुत काम की। आप जो जो सिम्टम हमने बताया आप इसमें इसका प्रयोग करिए, या अगर आपको कोई असुविधा महसूस होती है तो चैनल पर मेरा नंबर चल रहा है, आप देख करके कॉल करिए, क्लिनिक पे कल्याणम सेवा संस्थान के किसी भी शाखा में आकर के आप जो है संपर्क करें, और अगर आपको ऑनलाइन संपर्क करना है तो आप हमारे चैनल पर फोन करके अपना स्लॉट बुक करा लीजिए और आपको हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। साथियों सबसे सुखद बात यह है कि कल्याणम सेवा आपके घर तक सेवा करने के लिए कृतसंकल्पित है, आप कहीं भी रहें आपकी दवा आपको सलाह आपके घर तक सदैव दिया जाएगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।